गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बॉन्ड ब्रेसियर की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 7 में आप लोगों को मैंने चैप्टर 5 पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1 फिर से बताने जा रही हूँ। चैप्टर 1 हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक कविता जिसका नाम समर्पण है और इसके कवि श्री राम अवतार त्यागी हैं। तो इसके कवि इस कविता के माध्यम से क्या लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, देशभक्ति की भावना को जागृत करना चाहते हैं, त्याग और समर्पण की भावना को विकसित करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने स्वयं भी इन पंक्तियों में बताया है कि वो अपना सब कुछ इस देश पर न्योछावर करके भी संतुष्ट नहीं है। और वो पंक्तियाँ कौन सी है, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मतलब ये कि कवि का मानना है कि मातृभूमि का ऋण बहुत बड़ा होता है और इसे हम अपना सब कुछ देकर भी चुका नहीं सकते। मातृभूमि वह भूमि जहाँ पर हमारा जन्म होता है, जहाँ के अन्न जल को हम ग्रहण करते हैं और जिसकी मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, तो इससे लगाव होना स्वाभाविक है। मातृभूमि को माता के समान और स्वर्ग से बढ़कर बताया गया है। आप अपने देश से कहीं दूर चले जाएं, लेकिन आप अपने देश की मिट्टी को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि जिस शांति और सुकून का एहसास आपको अपने देश में होता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो इस देश के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए और यही आप लोगों को मैं आज होमवर्क दे रही हूँ कि आप अपने देश के प्रति क्या करना चाहेंगे, यानी देश के लिए आप क्या करना चाहेंगे, इसे अपने शब्दों में लिखिए और इसे आप किसी भी कॉपी में लिख सकते हैं। क्लासवर्क कॉपी में आप लोगों को नहीं लिखना है। इससे आपकी लिखने की क्षमता जो है उसका विकास होगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर को रटने से अच्छा है उसे अच्छी तरह से समझना। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है। थैंक यू।